आप, और वो चेहरा नहीं बनने देते, हीरोशिप ख़त्म कर दी उन्होंने। वो कहते नहीं, जो किताब में लिखा है वो मानो, उस पर बस उस पर चलना है। चेहरा नहीं चाहेगा मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब हमारे पैगंबर हैं ये बात तो ठीक है, पर चेहरे की पूजा नहीं होगी, ख़त्म बिल्कुल व्यक्तिवाद। क्योंकि जिनको जिंदा रहना है उनको विचारधारा चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति के पीछे जाओगे और विचारधारा पीछे रह जाएगी तो आपको गुलामी से निकालने के लिए कोई नहीं आ सकता। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं निकाल सकते आपको, बुद्ध भी नहीं निकाल सकते, फेरियार भी नहीं निकाल सकते। पर विचारधारा अगर साथ में पकड़ोगे तो ये सारे महापुरुष आपको आशीर्वाद देंगे, सब आपके सर के ऊपर हाथ रख के खड़े होंगे। क्योंकि विचारधारा ये कहते हैं कि आपको चलना है, आपको बात माननी है, जयकारा नहीं लगाना है। बुद्ध ने तो साफ कहा है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो रास्ता बता सकता हूं, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि तुझे पकड़ाई और तू मोक्ष ले, चलना पड़ेगा। बुद्ध का भाई आनंद बुद्ध के मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ, बुद्ध के जीते जी उसे कुछ नहीं मिला। कह रहे अरे आनंद तू इस नशे में रहता है कि तेरा भाई बुद्ध हो गया तो तू भी बुद्ध हो जाएगा क्या? अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो जैसे मैंने मेहनत की है वैसे करनी पड़ेगी, या बुद्ध के भाई होने से थोड़ी तुझे कुछ मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर के परिवार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर के परिवार अगर डॉक्टर अंबेडकर जैसा काम करेंगे तो कुछ मिलेगा, पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके आप कहें कि डॉक्टर अंबेडकर का परिवार है तो बस परिवार को कुछ आप कुछ दे दें तो अलग बात है, पर हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए संघ ये बताता है कि यहाँ व्यक्तिवाद नहीं चलता, यहाँ जयकारा नहीं चलता, और जयकारे के लिए मना भी नहीं है।